बहुत ही बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त की हम आपके लिए लेके आए हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है चयनित अभ्यर्थियों के लिए। पूरी खबर क्या है इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड शासन के द्वारा समस्त अपर मुख्य सचिव, उसके अलावा जितने भी उत्तराखंड शासन है, कार्मिक एवं अनुभाग, विषय क्या है, लोक सेवाओं एवं पदों में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान किए जाने के संबंध में, यानी कि सीधे सीधे जो अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग और जो अभ्यर्थी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और तमाम जितने भी आयोगों से सीधी भर्ती के द्वारा चयनित हैं, उनको जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्ति दी जाए। यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्याधीन सेवाओं में लोक सेवा आयोग के परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग परिधि के बाहर सीधी भर्ती के रिक्त पदों हेतु आयोजित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उनके माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं या उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है आदि के संबंध में, आयोग चयन संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए गए चयन संस्तुति के पश्चात चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति में विलंब ना हो, इसके लिए शासन द्वारा समयक जो है विज्ञापन लिखित निर्णय लिए गए, यानी कि जल्द जल्द इनको ज्वाइनिंग दी जाए। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी सेवाओं पदों के लिए सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को संस्तुति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर, जी हाँ आप देख सकते हैं, चयन संस्तुति के प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर नियुक्त अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करते हुए अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर आप डिपार्टमेंट्स को संस्तुति चली गई है आयोग की ओर से, चाहे कोई भी आयोग हो, तो एक सप्ताह के अंदर किसी भी हालत में अभ्यर्थियों को चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना है। उसके अलावा जिन पदों हेतु प्रशिक्षण अनिवार्य है, उन पदों हेतु नियुक्त पदाधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से नियुक्ति पत्र निर्गत करते हुए प्रशिक्षण केंद्र एकेडमी में योगदान किए जाने के निर्देश दिए जाएंगे और अभ्यर्थियों से जिन जिन अभिलेखों की आवश्यकता होगी, इसके लिए संबंधित विभाग किसी विभागीय अधिकारी को नामित करेंगे, जो कि प्रशिक्षण केंद्र एकेडमी जाकर अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को उनसे वांछित अभिलेख प्राप्त करेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए जिस तरह से अभी वीडियो में और वीडियो में ट्रेनिंग है, तो उस दौरान उसमें डॉक्यूमेंट ले जाएंगे जो कि वांछनीय होंगे, तो बहुत अच्छा ये स्टेप लिया गया है। तीसरा है चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्वत्र के सत्यापन, नियुक्ति आदेश जारी होने के पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के साथ साथ जो है करा लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है मेडिकल, जिस पोस्टों के लिए मेडिकल किया सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसी दौरान जो है ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। परीक्षणार्थ अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण केंद्र और एकेडमी वहीं से होगा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, कॉमेंट सेक्शन आपका है, भर दीजिएगा, ठीक है। आगे ठीक है, आगे और चौथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉइंट है कि चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र एवं पूर्वत्र का सत्यापन नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर संपन्न कराना है। देखिए बड़ा जो है बिल्कुल इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि 6 माह के अंदर जो है आपका करेक्टर वेरिफिकेशन होगा, ज्वाइन पहले हो जाइए, बाद में ये सब देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पांचवा और इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र सशस्त्र होगा और इसमें वो और इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा कि यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्वत्र का सत्यापन सकारात्मक नहीं होता है अथवा अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण में अनुपयुक्त पाया जाता है तथा उसकी परिवीक्षा काल समाप्त करते हुए उसकी सेवाएं समाप्त समझी जाएंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी अभ्यर्थी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अतः इस संबंध में मुझे एक कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के संबंध में उपरोक्तानुसार सुनिश्चित करने करें। ललित मोहन रियाल जो है अपर सचिव। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम एक्सक्लूसिव आपके लिए पहुंचा रहे हैं। बाकी यार इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। बाकी आप कुछ समझदार हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।